नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने आईफोन में कैसे किसी ऐप में आप लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इस बारे में, लेकिन काफ़ी भाइयों का कमेंट आया कि ये हो नहीं रहा है, तो दोस्तों इसमें डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने आपको क्या करना है, अपने शॉर्टकट में जाना है, आपको एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है। यहाँ पर ऑटोमेशन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन आएगा, प्लस को आपको क्लिक कर देना है और क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल ऑटोमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप पे वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे क्लोज पे नहीं बल्कि ओपन पे होना चाहिए। और इसके बाद आपको जिस ऐप पे आपको लॉक लगाना है वो ऐप आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे मैं ये पबजी वाले पे बैटल ग्राउंड पे ऐप पे लॉक लगाना चाहता हूँ, तो ये ऐप मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है टाइमर, टाइमर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। और टाइमर में यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको मिनट का ऑप्शन यहाँ पे मिनट से चेंज करके आपको सेकेंड में कर लेना है। और यहाँ पर 30 सेकेंड बाई डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ पर 0 1 कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये आस्क बिफोर रनिंग को आपको ऑफ़ कर देना है, यहाँ डोंट आस्क आस्क पे, और वहाँ पे डन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस अगर इसको आप नहीं करते तो आपका ये लॉक काम नहीं करेगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको अपने टाइमर में जाना है। टाइमर पे यहाँ पे टाइम एंड में आपको सबसे नीचे आके स्टॉप प्लेइंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेट कर देना है। दोस्तों बस आपका ये ऐप लॉक लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप जैसे ही बैटल पे क्लिक करेंगे या जिस ऐप पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए लॉक लग चुका है। अगर आपका फेस लॉक सपोर्ट करता है फ़ोन, तो आपको फेस लॉक से अनलॉक होगा, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट आप करके उस ऐप को क्लोज ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं बल्कि कि आपको अगर ये लॉक हटाना है तो सेम प्रोसेस है, ऑटोमेशन में आपको जाके यहाँ पे क्लिक करके जो ऑटोमेशन आपने इनेबल किया है इसको यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो ये ऐप लॉक डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल करके डन पे आप क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये ऐप लॉक काम करता है। उम्मीद करता है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।